और प्राइस मैं आपको बताऊं तो चलिए अब सीधा ना इंस्टॉलेशन करते हैं बारी बारी इनकी। अब मॉडिफिकेशंस का पार्ट वन है, ये जो स्पार्क कैंटीना है ये थोड़ा सा मतलब टेढ़ा हुआ है, पार्ट टू मिस मत करना, हमें यहाँ पे सही लग रहा है ये तो। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर गैरेज। तो आज आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो क्या होने वाला है। तो ये जो वीडियो रहने वाली है ये होने वाली है मॉडिफिकेशंस का पार्ट वन, और पार्ट टू भी जल्दी आएगा। तो आज हमने मंगाए हैं अपनी कार के लिए काफी सारे प्रोडक्ट्स, सारे के सारे हम प्रोडक्ट्स ऑनलाइन हमने परचेज करे हैं, आप भी परचेज कर सकते हो। कहाँ से परचेज कर सकते हो और क्या उनका प्राइस है और कैसे इंस्टॉल करने हैं, सारी चीजें आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि हमने आज कौन कौन से प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। तो जो जो प्रोडक्ट्स आज हमने मंगाए हैं और जो इंस्टॉल करेंगे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक ही टोइंग हुक हमने मंगाया है, और दो हमने ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स, और एक पेयर हमने यूनिवर्सल क्लिप्स बम्पर फास्टनर्स का मंगाया है। और प्राइस मैं आपको बताऊं तो इसका प्राइस था 900 रुपीज, इसका था 580, और ये थे 179 रुपीज के। और आप चेक कर सकते हो, क्वालिटी वाइज सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। और बाकी इनकी अनबॉक्सिंग मैं पहले कर चुका हूँ, और बाकी अनबॉक्सिंग अगर आपको देखनी भी है किस टाइप की मतलब पैकेजिंग होती है, तो हम जैन स्टीलो में भी इंस्टॉल कर चुके हैं, आई बटन शो हो रहा होगा आपको, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब सीधा ना इंस्टॉलेशन करते हैं बारी बारी इनकी, और सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। और मैंने ना इन सभी प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप वहां पर जाकर इन्हें परचेज भी कर सकते हो। और ये वीडियो ना हमारे मतलब मॉडिफिकेशंस का पार्ट वन है, तो पार्ट टू आप मिस मत करना, वो भी देखना, क्योंकि उसमें हम बहुत अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशंस कराने वाले हैं, तो उस पार्ट को मिस मत करना, उसके लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले ना जो हमने टोइंग हुक मंगाया था ना, इसको इंस्टॉल करेंगे, और इसको इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जो आपके यहाँ पे बम्पर में ना जो टोइंग हुक का होल होगा ना, उसके अंदर आपको सिंपली इसको रोटेट करते हुए टाइट कर देना है, और आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। आपको यहाँ पे कैप दिखेगी, वो हर एक कार में होती है, आप उसको जरूर हटा लेना, उसके पीछे आपको दिखेगा ये होल, और ये इजीली फिट भी हो जाता है। और ये यूनिवर्सल है, सभी कार्स के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिट्स में इंस्टॉल होगा, आप किसी भी कार में इंस्टॉल कर सकते हो इसको। और इसको आप अच्छे से टाइट कर देना। और हमने ना इसके कैप में भी होल कर लिया है, जैसा कि आप अभी देख सकते हो, थोड़ा सा मतलब टेढ़ा हुआ है ये, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगने के बाद अच्छा लगेगा। आप चाहो तो इस कैप को ही रिमूव करके सीधा भी लगा सकते हो, लेकिन वो फिर जो स्पेस है वो बुरा लगेगा, तो आप इसी में होल कर लेना। और बाकी आप फाइनल लुक्स के लिए जरूर वेट करना, अभी इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको फाइनल लुक्स चेक कराता हूँ। तो आप पहले जो इसके साथ नट आया था उसको आप टाइट कर लेना, फिर आप उसके ऊपर से कैप लगा देना, तो चेक कर सकते हो लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, फिर उसके बाद आप इसको टाइट कर देना। अभी टाइट करके दिखाते हैं। टाइट करना बहुत ज़्यादा इजी है, बस सिंपली आपको इसको रोटेट करते हुए जाना है, और ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। फिर आप इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देना, क्योंकि इसकी लुक नीचे फोल्ड करने के बाद ही आती है। अभी मैं आपको चेक भी कराता हूँ फाइनल लुक्स। तो अब आप इसके फाइनल लुक्स चेक करना, कितने ज़्यादा औसम है, तो आप चेक कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है लगा हुआ। और अगर आपके पास भी रिट्स है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और चलो तो बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम कार में इंस्टॉल करते हैं। और मैं अगेन कह रहा हूँ, ये वीडियो जो है मॉडिफिकेशंस का पार्ट वन है, तो आप पार्ट टू मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशंस कराएंगे, तो आप वाला पार्ट मिस मत करना। तो चलिए अब हम जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो नेक्स्ट हम इंस्टॉल कर रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट मिरर। तो आप चेक कर सकते हो कि जो हमारा ये वाला है ये राइट वाला है, और सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जो ये इसके साथ में जो डबल साइडेड टेप है इसको आपको रिमूव करना है, और अपने एंगल वाइज इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है साफ करके। और जैसे हमें यहाँ पर सही लग रहा है ये, तो हमने यहाँ पर अभी इंस्टॉल तो नहीं किया है, खैर हम पहले देख रहे हैं इसको। और इसके अगर आपको गुड पॉइंट बैड पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इनके यूजेज हैं, अगर आपको देखना है, तो अभी आई बटन पे ना आपको वीडियो शो हो रही होगी, तो आप वहाँ पर जाकर देखो। इस पर पूरी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसे जैन स्टीलो में भी क्योंकि इंस्टॉल किया था, बाकी लुक वाइज भी और वैसे भी इसके बहुत सारे यूजेज हैं, तो आप वो वीडियो एक वो वाली वीडियो भी एक बार ज़रूर देख लेना। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर देते जल्दी से। तो गाइस अभी हमें इसका ऊपर वाला मिरर हटा के खाली नीचे नीचे वाले को प्लेस कर रहे हैं,
आप पहले अच्छे से निशान लगा लेना, उसके बाद ही से चिपकाना। तो आप चेक कर सकते हो कि ये जो स्पार्क को कैंटीना है, ये भी हम इसमें इंस्टॉल कराएंगे। और बाकी ये ना सिल्वर कलर के आते हैं, आपको भी मैंने बताया था जब जेनिस्टीलो में मैंने ये इंस्टॉल करे थे, तो इनको पेंट कराया था, थोड़ा उतर गया पेंट, दोबारा से पेंट कराऊंगा इनको, फिर इसको यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर और उस साइड, और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन कराएंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। तो गाइज मैं आपको स्पार्को के जो हमारे एंटीना थे उनकी इंस्टॉलेशन दिखा चुका हूँ, और ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी इंस्टॉल कर चुके हैं हम, और टोइंग हुक भी। तो अब बारी है जो हमने ये बम्पर फास्टनर्स मंगाए थे, तो इनको इंस्टॉल करते हैं। बाकी अभी जो इसके साथ टेप आती है डबल साइडेड, उससे इसको स्टिक कराएं मेजरमेंट्स के लिए, तो इसको इंस्टॉल करते हैं। और बाकी अगर आपको बिल्कुल डिटेल में मतलब देखना है कि कैसे कैसे इंस्टॉल होते हैं, तो आई बटन में वीडियो शो हो रही होगी, आप वो वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया कहाँ कहाँ पे आपको कैसे कैसे मेजरमेंट्स लेनी है, क्योंकि अगर आपने मेजरमेंट्स गलत ले लिए तो इसका फिर ये यूज़लेस हो जाएगा एक तरीके से, तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना। और जो ब्लैक वाले जो बॉडी स्क्रू होते हैं उनसे आप इनको टाइट कर देना, अच्छे से टाइट हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें तो दो नट हम टाइट कर चुके हैं, नीचे वाले पार्ट में कर लेते हैं। और अब आप चेक करना, आपको सिंपली इसको यहाँ से ऐसे उठाना है और उसमें डालकर और इसको नीचे की तरफ पुश कर देना है। प्रॉपर मेजरमेंट्स के लिए आप वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन में भी है। तो गाइस मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस कर ही चुका हूँ, और अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा यूजर नेम फ्यूचर गैरेज ही है, और वहां पर आकर आप कोई भी क्वेरी हो मैं सबसे बात करता हूँ। वहां पर मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो मेरे से वहां पर डिस्कस करते हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। और अगर आपको अब भी कोई डाउट रह गया है, जैसे जो हमने बम्पर फास्टनर्स लगाए हैं और जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स लगाए हैं, तो उनके ऊपर सेपरेटेड वीडियोस हैं, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी है, और आई बटन में भी आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहां पर जाकर भी वो वीडियोस भी देख सकते हो। और तो गाइज अब आप वेट करना मॉडिफिकेशंस के पार्ट टू के लिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।